भाई अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया के साथ तो वो कंपैरिजन नहीं बनता। हम नहीं अभी अनफॉर्चुनेटली हम नहीं आए, ठीक है, कंपैरिजन की, लेकिन हम उनके कंपैरेटिव हो ही नहीं सकते, ठीक है। हम मैं कंपैरिजन की बात भी नहीं करता, मैं ये कहता हूँ सीखना तो चाहिए, जब वहाँ पे बेहतर चीज़ें हो रही हैं अगर, या कहीं पे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वहाँ पर पाकिस्तानी मौजूद होते हैं, वो वेलकम क्यों नहीं करते, उल्टा उन्हें उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं। मेरा ये सवाल है कि मतलब जाते हैं अगर शहबाज शरीफ जाएँ, जैसे अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए हैं तो वहाँ पे ये नारे लगे हैं मोदी है तो मुमकिन है, वहाँ पे नारे लगे हैं। आपको अब बोलने का हक भी नहीं सही तरह दिया जा रहा है, अगर कोई आवाज़ उठाता है अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ जाती है या फिर कोई ब्लैक गाड़ी के घर के बाहर आ जाती है। तो मोस्टली हमें इंडियन रिसोर्सेज मिल जाते हैं, आप यूट्यूब वगैरह भी देखें तो जो हमारे इवन के हमारे कोर्सेज जो हमें डिग्री में पढ़ाए जाते हैं उसकी भी हमें समटाइम्स जो एग्जाम्स की तैयारी के लिए कहते हैं वो भी हम मोस्टली इंडियन यूट्यूबर होते हैं। आपका जो कोर्स है जो पाकिस्तान में आईटी का कोर्स है उसे पढ़ने या समझने के लिए भी इंडियन यूट्यूबर की हेल्प की जरूरत है। रियलिटी पसंद हूँ, वो रियलिटी ये है कि हम उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप उनकी बात करते हैं ना, हम एक सादा सी मिसाल ले लेते हैं कि एक घर के अंदर जो बच्चा सबसे ज़्यादा कमाता हो ना, घर वाले उसको ज़्यादा यानी कि रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको हर लिहाज से प्रेफरेंस उसको करते हैं, ठीक है, बाकियों के साथ भी करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसी तरह इंडिया है, इंडिया देखे दुनिया के अंदर ना एक अच्छा उनका इंप्रेशन है, ठीक है, अमीर आदमी है, बड़ी मार्केट है, ठीक है, वो भी कम होंगी जब टीचर्स आएंगे अपना वो माइंड सेट हमें बताएंगे, जब वो बताएंगे कि भाई नफरतों में कुछ नहीं पड़ा तो आपको नहीं लगता कि दो दो फायदे हो जाएंगे हमें? फायदे हो जाएंगे, लेकिन बस हमारी पाक स्टडी की जो किताब है वो जरा ठीक कर ली जाए। क्या उसमें क्या ठीक है? के अंदर मतलब जो भी मसाइल हैं, ठीक है, वो क्लियर नहीं है सिर्फ पाकिस्तान, अब नहीं कहूंगा मैं, ठीक है, कुछ भी ऐसा वन साइडेड आप कहना चाहते हैं, वन साइडेड क्या कहते हैं, एक इमेज बना दी गई कि पाकिस्तान ही बेहतर है, वो दुश्मन है हमारा, ठीक है, वो वहाँ पे क्राइम भी है, वहाँ पे गुर्बत भी है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पे एटलीस्ट ये है कि आवाम के साथ गवर्नमेंट ऑनेस्ट होती है कि उनको पता होता है कि क्या पॉलिसी बन रही है, किस तरह बन रही है, तो उनको ये भी पता है कि हम अमेरिका ने अफगानिस्तान के लिए क्या पॉलिसी बनाई है, लेकिन मुझे नहीं पता पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पे कितना आप उन पे यकीन करते हैं कि भाई जो वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर जो हमारे उनकी पॉलिसीज के ऊपर हमारा जो ट्रस्ट परसेंटेज है ना वो आप कह रहे हैं कि आई थिंक मैं उसको नेगेटिव में शायद कह दूँ या क्योंकि माइनस में, हाँ, क्योंकि उसकी एक रीज़न मेरे नज़दीक ये है कि जो वो पॉलिसीज बनाते हैं और ना वो पॉलिसीज हमारे साथ डिस्कस होती हैं, जो हमारा एक प्रॉपर चैनल है जैसे पार्लियामेंट है, और ना वो पार्लियामेंट में डिस्कस होती हैं ना वो किसी प्रेस में डिस्कस होती हैं। जब भी मैं कोई प्रेस चैनल इसके अंदर ट्यून करता हूँ टीवी के ऊपर तो मुझे वही पॉलिटिक्स देखने को नज़र आती है, कोई ना हमारे मतलब जितने हमारे लोग हैं जैसा महंगाई है जैसा इन इश्यूज़ के ऊपर कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा था, जो पॉलिसीज बनती हैं वो बैकडोर पॉलिसीज बनती हैं, उसके अंदर ना टेक्नोक्रेट्स की इन्वॉल्वमेंट नजर आती है ना पब्लिक की। आप क्या कहना चाहेंगे, कितने परसेंट ट्रस्ट है आपको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पे, आपको लगता है कि वो पाकिस्तान में या फॉरन किसी कंट्री में जाते हैं तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई ना कोई पॉलिसी लेके जाते हैं? बात यह कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी तो तब होगी जब पॉलिसी अच्छी बनेगी, पॉलिसी हमारी बन ही नहीं रही है, अगर बनती है तो वो बैकडोर बनती है, किसी को पता नहीं होता है, ठीक है, जैसे भाई ने कहा है कि पार्लियामेंट में डिस्कस ही नहीं हो रही, ओपन आ ही नहीं रही है, हमें नहीं पता कि हमारी पॉलिसी इस टाइम क्या है, आईटी के हवाले से भी क्या है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता, अगर वो बाहर जाते हैं वो सिर्फ आईएमएफ के लिए जा रहे हैं भाई। अच्छा, ठीक है, ट्रेड के लिए नहीं, एड के लिए मोस्टली देखा। सही बात है, ये इस टाइम एड के लिए जा रहे हैं, ट्रेड पाकिस्तान में आपको ही पता है स्टॉक मार्केट का क्या हाल है, अभी पिछले 3-4 दिन में अप गई है, वो भी इसी वजह से कि जो आईएमएफ ने एक दे दिया उन्हें किस दे दिया उस वजह से, यूएई सऊदीया की तरफ से भी कुछ हेल्प आई है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब दूसरे कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर इवन अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के विजिट पे हैं और वहाँ के जो इंडियन डायस्पोरा हैं उन्होंने बहुत वार्म वेलकम किया, उससे पहले वो यूएस के विजिट पे गए वहाँ पे बहुत वार्म वेलकम किया गया, जापान गए वहाँ बहुत वार्म वेलकम किया गया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रिसेंटली फ्रांस गए थे, वहाँ पे उनका किस तरीके से वेलकम किया गया? पाकिस्तानी तो वहाँ पे भी मौजूद है ना फ्रांस में। बात यह कि जैसे आपने कहा था कि यूएस में उनके प्राइम मिनिस्टर गए हैं, अब इंडिया की इकोनॉमी टॉप 5 में आ चुकी है, टॉप 5 में आ चुकी है, और उनको वहाँ पर स्टेट डिनर दिया गया है, ठीक है, उनकी इन्वेस्टमेंट है और अमेरिका की भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट है, इंडिया भी साथ उनके साथ ट्रेड कर रहा है, अब इलॉन मस्क की मीटिंग हुई है उसके साथ नरेंद्र मोदी के साथ, तो वो एक उन्होंने अपना पॉलिसी बनाई हुई है बिजनेस की कि वो आए हमारे साथ बिजनेस करें, हम आपके लिए पॉलिसीज को इजी करेंगे ताकि आप खुल के बिजनेस करें। पाकिस्तान में यही है कि खुल के बिजनेस करने दिया नहीं जा रहा है, ठीक है, झगड़ा हुआ है, नैब आ जाता है, FIA आ जाती है इस वजह से,
तो पॉलिसी मेकिंग का सबसे बड़ा डिफरेंस है। नो डाउट उनकी इकॉनमी इस टाइम बड़ी है और दुनिया का कोई भी कंट्री हो उनके साथ रिलेशन बेहतर करना चाहता है, लेकिन शायद आप मेरा सवाल समझे नहीं है। देखें हमारे पे आज बुरी कंडीशन है, अल्लाह करेगा अच्छे दिन भी आएंगे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो फ्रांस में या कहीं पर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं वहाँ पर पाकिस्तानी मौजूद होते हैं, वो वेलकम क्यों नहीं करते, उल्टा उन्हें उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं। मेरा ये सवाल है कि मतलब जाते हैं अगर शुबाज शरीफ जाएँ जैसे भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए हैं तो वहाँ पर ये नारे लगे हैं मोदी है तो मुमकिन है, वहाँ पर नारे लगे हैं मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, तो हमारे जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं क्यों नहीं उस तरीके से रिस्पेक्ट दी जाती। ये बात ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना इलेक्टेड, एक इलेक्शन के थ्रू आते हैं, तो पब्लिक को पता भी होता है कि ये एक पार्टी का क्या कहते हैं इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है और पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंटेशन गई है। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर उसे इतनी ज़्यादा एलिजिबिलिटी आप ये कह लें कि लोग मान नहीं रहे हैं उससे, क्योंकि वो एक पार्टी का तो है नहीं, 11 पार्टियाँ मिलकर आपस में, और 11 पार्टियों के नाम भी किसी को भी नहीं टोटल पता कि वो हैं कितनी है। ठीक है ठीक है, अगर वो एक पार्टी का होता तो उसे वहाँ भी इज्जत मिलती, उसके वहाँ के कारकुन होते तो उसको वेलकम करते। यही बात है कि मतलब वहाँ पे जो पाकिस्तानियों ने पता था ये हमारा प्राइम मिनिस्टर आए और हमने इन्हें रिस्पेक्ट देनी है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे मेरे भाई, आईटी के हवाले से भी आपसे एक बात करेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं फ़र्क क्यों इतना देखने में आता है, हमारे पाकिस्तानी भी दुनिया के हर कंट्री में मौजूद हैं तो फिर उस तरीके से वार्म वेलकम क्यों नहीं किया जाता। आपका जो पहला क्वेश्चन था ना कि हमें ट्रस्ट कितना है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, इसका आंसर उससे जुड़ा हुआ है, यानी कि हमें ट्रस्ट ही नहीं है अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ऊपर, अपने गवर्नमेंट जो पॉलिसी मेकर हैं उनके ऊपर, क्योंकि ट्रांसपेरेंट नहीं है। अब अमेरिका में भी मसला है कि वहाँ पे क्राइम भी है, वहाँ पे गुर्बत भी है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पे एटलीस्ट ये है कि आवाम के साथ गवर्नमेंट ऑनेस्ट होती है कि उनको पता होता है कि क्या पॉलिसी बन रही है, किस तरह बन रही है, तो उनको ये भी पता है कि हम अमेरिका ने अफगानिस्तान के लिए क्या पॉलिसी बनाई है, लेकिन मुझे नहीं पता पाकिस्तान के लिए अपनी हमारी क्या पॉलिसी है। हो, हो, हो। तो ये बड़ा एक ना इशू है, उसकी वजह से ये होता है कि जब मुझे अपने उस पर ट्रस्ट नहीं है प्राइम मिनिस्टर पे, तो मैं कल को बाहर जाता हूँ काम करता हूँ, आईटी में ही मैं कहीं पे काम करता हूँ बाहर जाकर किसी फर्म में, और आपको पता चलता है आपके प्राइम मिनिस्टर आए हैं इस कंट्री में तो आप वहाँ वेलकम करने जाएंगे। आई डोंट गिव अ डैम अबाउट इट, मैं क्यों जाऊँ अपना टाइम जाएगा। यही बात है, देखिए जब हम पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे, अपने पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, तो डेफिनेटली कहीं बाहर भी जाएंगे तो पाकिस्तानी भी रिस्पेक्ट करेंगे और दुनिया भी रिस्पेक्ट करेगी। आईटी के हवाले से बात करते हैं, क्या समझते हैं पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 57% यूथ है, और कहा यह जाता है कोई भी कंट्री में यूथ हो जिसकी मतलब शरह ज्यादा हो वो कंट्री ज्यादा चांसेस होते हैं डेवलपमेंट की तरफ जाने के। आईटी में पाकिस्तान कितना ग्रो करता नजर आ रहा है एज कम्पेयर टू नेबर कंट्री इंडिया। देखिए पाकिस्तान आईटी की तरफ अगर हम जाएंगे ना तो वो सबसे पहली बात आ जाएगी डिजिटलाइजेशन कितनी ज़्यादा पाकिस्तान में, ठीक है वो आप पाकिस्तान में इस टाइम नज़र नहीं आ रही इतनी ज़्यादा, ठीक है वही खाते रजिस्ट्री वाला काम चल रहा है। यहाँ पर जितने भी अदारे हैं वहाँ पर जाओ, अगर आप एक्साइज के दफ्तर में चले जाओ, किसी पटवारी के पास चले जाओ, वो इतना बड़ा रजिस्टर खोल के ले आता है, ठीक है डिजिटलाइजेशन वहाँ पर नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान में आईटी के प्रोजेक्ट्स खुद कंट्री के नहीं बन रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, आउटसोर्स हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पर लेबर आप ये कह लें कि कॉस्ट उनकी ज़्यादा होती है, पाकिस्तान में उन्हें सस्ते में प्रोजेक्ट मिल जाता है। तो पाकिस्तान में आके आप ये कह लें कि बाहर के प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, पाकिस्तान का अपना कोई प्रोजेक्ट नहीं बन रहा है। अगर कोई प्रोडक्ट आती है वो इतनी डिजास्टर जाती है कि वो स्टार्टअप ही बंद हो जाता है अगर कोई करता है उसे, कुछ मेरे ख्याल से पसंद नहीं किया जाता पाकिस्तान में इतना, या क्या वजह होती है? पसंद की बात नहीं है कि वही पॉलिसी मेकिंग की बात आ जाएगी कि हमें अपनी पॉलिसी मेकिंग का नहीं पता है, ठीक है टैक्सेस का नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि गाइड नहीं किया जाता कि अगर आपने स्टार्टअप करना है, ठीक है आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हैं आप किस अदारे में जाकर रजिस्टर करवाएंगे, ये तो बिल्कुल नहीं पता। और जो मेन बात इन्होंने की है डिजिटलाइजेशन की, मैं ये समझता हूँ ये भी बहुत बड़ा इशू है, जहाँ पे इकॉनमी का इशू है, गुर्बत का, भूख का इशू है, वहाँ पर शायद डिजिटलाइजेशन, क्योंकि करप्शन का सबसे ज़्यादा चांस मिलता ही तब है जब आपका सिस्टम डिजिटलाइज ना हो। इंडिया ने सिस्टम भी डिजिटलाइज किया है, और सेकेंडली आईटी में आपको भी पता है, आप तो आईटी के स्टूडेंट हैं, हमारे से कई गुना ज़्यादा आपको पता होगा कि वो कितनी तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। वो कैसे, मतलब आप जैसे स्टूडेंट नहीं वहाँ पर होंगे, मेरे जैसे स्टूडेंट नहीं होंगे, वो कैसे आईटी में ग्रो करते जा रहे हैं? आप ये देखें ना कि वहाँ पर उनकी लोकल इंडस्ट्रीज लग रही हैं, बिल्कुल सारी क्या कहते हैं डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही हैं, जिनके जितने भी उनका लेजर मौजूद है वो डिजिटल मौजूद है ना उनके पास, ठीक है अब उनकी जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है आईआईटी है, ठीक है उनके कितने स्टूडेंट हैं 1 लाख से ऊपर उनका हर साल निकल रहा है, ठीक है उनकी इंडस्ट्री भी उसी तरह से ग्रो कर रही है, उनके स्टूडेंट भी उसी तरह आ रहे हैं कि अभी कह लें कि डिमांड एंड सप्लाई एक साथ साथ चल रही है। पाकिस्तान में ये है कि डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा हो रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है, इसलिए आज के इंडस्ट्री में अगर अब पिछले दिनों ले ऑफ आया हुआ था काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है अब कुछ बेहतर हुआ है, ठीक है प्रोजेक्ट दोबारा आने शुरू हुए हैं,
तो जाके एक काम दोबारा से चलना शुरू हुआ, नहीं तो पिछले 4-5 जो महीने गए हैं वो बहुत मुश्किल गए। आईटी की डिग्री करके बीएस करके आपको जो अगर जॉब मिलती है क्या इजीली मिल जाती है? और सेकंडली कितनी सैलरी से ऑलमोस्ट एवरेज कितनी सैलरी होती है कि आईटी जो ग्रेजुएट होता है? डिपेंड ऑन द कंपनी। और एवरेज की बात कर रहा हूँ कि पता है कि यार इतनी ऑलमोस्ट मिलेगी सैलरी आईटी करके? एवरेज 80 तो आपको मिल ही जाएगी। ठीक हो गया, आसानी से जॉब मिलती है? आसानी से आपको कोशिश करनी पड़ेगी, जॉब मिल जाएगी आपको। ये बात नहीं कि जॉब आपको मिलेगी नहीं, जॉब आपको मिलेगी, लेकिन डिफरेंट कंपनीज हैं उन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपना स्केड्यूल करती हैं। आपका आईटी का लास्ट सेमेस्टर है जी जी, तो जो आप अपनी स्टडी करते हैं कभी ऑनलाइन अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कोर्स के रिलेटेड तो वो कहाँ से आप उसे गेन करते हैं? उसके लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप गूगल पे मतलब आप जिस जिस रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के लिए आपको चाहिए हेल्प आप उसको। तो मोस्टली वो जो कोर्स होता है जो मवाद होता है गूगल पे वो कौन से कंट्री का होता है या कौन से कंट्री ने लिखा होता है उसे? अब आप अगर क्वेश्चन इस तरह करें क्योंकि अब लिखा तो मोस्टली क्योंकि अगर एक लाइब्रेरी बनी है लेट्स से अगर जैसा प्रोग्रामिंग के रिलेटेड मैं बता रहा हूँ तो वो लाइब्रेरी तो उसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन हर चीज़ की मौजूद होती है, ठीक है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया में अब यहाँ पर इंग्लिश से का कम्युनिकेशन जो है और मीडियम जो है उसका बड़ा मसला है, ठीक है। तो मोस्टली जो है हमें पाकिस्तानी राइटर या पाकिस्तानी ऑथर्स कम मिलते हैं जिन्होंने उसको हमारे मोड ऑफ कम्युनिकेशन में कन्वर्ट किया होता है। तो मोस्टली हमें इंडियन रिसोर्सेज मिल जाते हैं, आप यूट्यूब वगैरह पे देखें तो जो हमारे इवन के हमारे कोर्सेज जो हमें डिग्री में पढ़ाए जाते हैं उसकी भी हमें समटाइम्स जो एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए कहते हैं वो भी हम मोस्टली इंडियन यूट्यूबर होते हैं। आपका जो कोर्स है जो पाकिस्तान में आईटी का कोर्स है उसे पढ़ने या समझने के लिए भी इंडियन यूट्यूबर की हेल्प की जरूरत पड़ जाती है। दूसरे नंबर पे अगर टीचर वहाँ से आते हैं सिर्फ एक तो ये है कि स्टडी के हवाले से हमें बड़ा बेनिफिट मिलेगा, सेकेंडली हमारे जो मिसकम्युनिकेशन है मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं दोनों कंट्रीज़ के दरमियान वो भी कम होंगी जब टीचर्स आएंगे अपना वो माइंड सेट हमें बताएंगे, जब वो बताएंगे कि भाई नफरतों में कुछ नहीं पड़ा तो आपको नहीं लगता कि दो दो फायदे हो जाएंगे हमें? फ़ायदे हो जाएंगे लेकिन बस हमारी पाक स्टडी की जो किताब है वो ज़रा ठीक कर ली जाए। क्या उसमें क्या ठीक है? के अंदर मतलब जो भी मसाइल हैं ठीक है वो क्लियर नहीं है फिर पाकिस्तान अब नहीं कहूँगा मैं ठीक है कुछ भी ऐसा वन साइडेड आप कहना चाहिए वन साइडेड क्या कहते हैं एक इमेज बना दी गई कि पाकिस्तान ही बेहतर है वो दुश्मन है हमारा ठीक है वो हमारे दिमाग में भर दिया गया। अगर यही अगर न्यूट्रैलिटी के साथ चलते हैं ना ठीक है तो बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं ठीक है। और ये देखें अवाम यहाँ की भी उनसे मोहब्बत करती है अवाम लेकिन जो गवर्नमेंट पब्लिक है ना आप पब्लिक है तो आप क्या नफरत करते हैं उनसे? बिल्कुल भी नहीं आप नफरत करते बिल्कुल भी तो मैं भी नहीं करता और वो भी नहीं करते, वो भी नहीं करते। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे यहाँ से कुछ ऐसा जब होता है कोई नफरत वाली बात हमारे पॉलिटिशियन इवन करते हैं तो दुख तो होता होगा दूसरी साइड पे, या अगर वहाँ से होता है तो इधर भी दुख होता है? देखें अब किसी को तो खुश करना है या अमेरिका को या रशिया को, किसी ने तो कुछ बोलना ही बोलना है ना, तो नेगेटिविटी फैलेगी ठीक है। ये काम खत्म होने वाला नहीं है ना, आपको लगता है खत्म नहीं हो सकता? मुझे नज़र नहीं आ रहा खत्म होता, दोनों की आपस में इगोइस्टिक कह लें कि वो हो चुकी है, दोनों खत्म करना ही नहीं चाह रहे, गवर्नमेंट खत्म नहीं करना चाह रही, पब्लिक चाहती है कि ये खत्म हो। पब्लिक तो डेफिनेटली चाहती है और मैं ये समझता हूँ कि पब्लिक के हाथ में भी बहुत पावर होती है जब हम सच का सामना करें और सच बोलने की हिम्मत रखेंगे, सच को सच कहेंगे झूठ को झूठ कहेंगे तो बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी और आने वाले टाइम में हमारे पॉलिटिशियंस को भी समझ लगेगी कि भाई अब ज़्यादातर हम झूठ के सहारे या झूठे नारे लगा के इन्हें पागल नहीं बना सकते। ऐसा ही है, अब कितनी देर हम वोट को इज्जत देते रहेंगे, कितनी देर हम रोटी कपड़ा मकान करते रहेंगे? अब देखें आपको पता चला ना कि हमारे पाक स्टडीज़ में या जो हमारी हमें पढ़ाया जाता है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को लेके वो कहीं ना कहीं वन साइडेड होता है, आपको आइडिया हुआ यही इन्हें आइडिया। और सोशल मीडिया के थ्रू इंटरनेशनल जब हम स्टडी करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ों को देखते हैं तो हमें सब आइडिया हो जाता है, तो एक टाइम ऐसा नहीं आएगा कि जब पूरी पाकिस्तान को पता चलेगा कि भाई जो हमें बताया जा रहा है सच वैसा नहीं है। देखें इस टाइम पता लगना शुरू हुआ है ना तो पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आ रही है आपको नज़र, कोई आपको अब बोलने का हक भी नहीं सही तरह दिया जा रहा है, अगर कोई आवाज़ उठाता है अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ जाती है या फिर कोई ब्लैक गाड़ी घर के बाहर आ जाती है, तो लोग डर गए हैं इस टाइम, ठीक हो गया, कोई बोलने से डर गए हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, कैसे हैं आप? बस दुआएं आपकी। ठीक है, ये भाई आईटी के स्टूडेंट थे, आईटी के हवाले से हम बात कर रहे थे, लेकिन सबसे पहले मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है वो ये बताएं कितने परसेंट ट्रस्ट है आपको, यकीन है आपको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो मौजूदा
10% भी नहीं, 10% भी नहीं, नहीं। अच्छा, जब दूसरे कंट्रीज में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो वहाँ पे जो पाकिस्तानी होते हैं, जो लेट्स सपोज फ्रांस गए हैं, यूएस गए हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी होते हैं, वो उस तरीके से वार्म वेलकम क्यों नहीं करते जैसे नेबर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर पहले यूएस गए, अभी फ्रांस गए, और वहाँ पे जो इंडियन डायस्पोरा है उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्हें वार्म वेलकम किया, नारे लगे हैं प्रॉपर। इसमें भी शायद हमारी ही गलती है। अच्छा, कैसे? देखे ना पाकिस्तान की इकानमी कितनी ज़्यादा गिरती जा रही है, कर्जा हम पे बढ़ता जा रहा है, जहाँ भी जाते हैं दूसरी बात बाद में करते हैं, पहले कर्जा। ठीक है, तो उन्होंने क्या हमें प्रोटोकॉल देना, उन्हें भी यही है कि भीख मांगने आ रहे हैं। नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझे, मैं ये कह रहा हूँ कि जो वहाँ पे पाकिस्तानी मौजूद हैं, देखिए अच्छा, वो क्यों नहीं वहाँ वेलकम करते, वो वहाँ पे आए उन्हें वेलकम करें। अगर सबसे पहले बात तो ये है, ओवरसीज पाकिस्तान के दिलों में सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, उसके अलावा वो वाकई किसी को नहीं मानते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर हो। आप देख सकते हैं कि जैसे इमरान खान, आप तो ओवरसीज भी नहीं, आप भी ये कह रहे हैं जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है 10%। नहीं, मुझे तो कुछ पे, मुझे इमरान खान पे भी नहीं है यकीन। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उन अगर दूसरे कंट्री इंडिया की बात करें, वहाँ इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है उनके प्राइम मिनिस्टर को, फ्रांस में इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, घर घर मोदी, हर हर मोदी, या इस तरीके से मोदी है तो मुमकिन है, इस तरीके से नारे लग रहे हैं फ्रांस में, क्या कहेंगे इसके ऊपर कि वो कैसे ट्रस्ट करवाते हैं या ट्रस्ट उनका बिल्ड होता है पब्लिक का? देखिए, वो अपनी अवाम का ख्याल रखते हैं। पाकिस्तान में अभी अवाम को कुछ भी नहीं मालूम है, अवाम बस और बस इलेक्शन की डिमांड कर रही है, और पाकिस्तानी इस बात की डिमांड पे है कि इलेक्शन हो, लेकिन हुकूमत ये चाह ही नहीं रही कि इलेक्शन हो। ठीक है, इलेक्शन होंगे तो इस मुल्क का कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। इलेक्शन कम करता, अगर हम खुद अपने प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो दुनिया कैसे ट्रस्ट करेगी? ये तो बिल्कुल आपकी बात 100% ठीक है। प्राइम मिनिस्टर है, जो भी है, जैसा भी है तो हमारा वजीर है, तो उसकी इज्जत तो करनी चाहिए ना। ठीक हो गया, लेकिन अगर ये सोच है, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर की भी ऐसी सोच होनी चाहिए कि पाकिस्तान है और पाकिस्तान की पब्लिक है, हम जो भी मेरी है, राय है, मुझे सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। ये वन साइडेड नहीं, दोनों साइडेड प्यार होता है। कैसे बेहतरी आ सकती है, कैसे हम अपना इमेज, अपने प्राइम मिनिस्टर का इमेज, अपने पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर कर सकते हैं हम किस तरह? जी, सबसे पहले तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जी, सोशल मीडिया पे हमें ये जो पोस्ट है आजकल हम कर रहे हैं, ये वो ये सब नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जो भी है प्राइम मिनिस्टर है, एक एतमाद बिल्ड करें। हाँ हाँ। जो भी कर रहे हैं, अभी लैपटॉप स्कीम है, मैं बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करना चाहूँगा कि तलबा के बारे में जो सोचा है मौजूदा जो हुकूमत रही है पीछे 3 साल, उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा है, कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली है बच्चों की, ठीक है, ना कोई मिला लैपटॉप। ये जो इन्होंने कदम उठाया, ये बहुत अच्छा कदम है। ठीक हो गया। अच्छा, एक पोस्ट ये भी सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही है कि भाई $3 million जो बिलियन डॉलर जो हमें IMF की तरफ से मिलने जा रहा है, सऊदी और UAE भी हेल्प करने जा रहा है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, मतलब लोन मिलने पे या इस तरीके से हमें अगर कर्ज मिलता है, हम उसके ऊपर कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर्ज ले लिया और आइंदा हम ये इससे जान छुड़वाएंगे, इस पर भी हम फख्र कर रहे हैं कि हमें किसी ने कर्ज दिया है। लोग डेवलपमेंट, लोग आपस में डील कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज, इंडिया US, इंडिया फ्रांस, इंडिया रशिया, इंडिया चाइना, और हम जो उनसे इन तमाम कंट्रीज से एड की, ट्रेड की बजाय एड की बात करते हैं। ये शायद शौर की कमी है, अवेयरनेस की कमी, अवेयरनेस, एजुकेशन बहुत ज्यादा हमारे प्राइम मिनिस्टर की क्या पब्लिक की रहने दे या दोनों की दोनों की बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा लगा जी बात करके, आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? खुर्रम खान। खुर्रम खान, आपसे आई थिंक पहले भी बात हो चुकी जी, है। ठीक है, आज इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसकी तरफ बाद में आएंगे। पहले मुझे एक सादा से सवाल का आपने जवाब देना है। इस टाइम जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, कितने परसेंट आपको उन पे ट्रस्ट है? अभी तो अगर सच्ची बात पूछें कि ट्रस्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट वहाँ पे इंसान को होता है जहाँ पे आगे से कोई रिस्पॉन्स मिला हो। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली 75 सालों में हमें किसी पे भी उस तरीके से ट्रस्ट नहीं रहा जिस तरह का करना चाहिए। ठीक है, जो स्टेट का और अवाम का जो ट्रस्ट होता है ना एक दूसरे के ऊपर, वो है ही नहीं। तो उसमें मैं आपके चैनल पे भी 5%, 10%, 20% क्या है ही नहीं। हाँ नहीं, ऑनेस्टली बात करूँगा, अगर आपने इतने नीचे वाले परसेंट बताए हैं ना कि 5%, 10%, 10% कह सकता हूँ, वो इसलिए कि शायद इंसान एज ए इंसानियत जो इंसान आता है, गलती हुई भी हो और इंसान कह के यार शायद मैं अब जाकर कुछ चेंज कर लूँगा, बेहतर कर लूँगा, उस लेवल पे रह के मैं उनको यानी कि 1% दे सकता हूँ। अदरवाइज उनके करेक्टर, उनका माजी या उनके जो हालात है करंटली, उन पे मैं उनको जरा से भी बिल्कुल नहीं दूंगा। अच्छा, यानी ये भी जो इन्होंने 10% ट्रस्ट का वो अपना बताया, वो भी सिर्फ इस बेस पे कि शायद इंसानियत के तौर पे वो कुछ बेहतर करें तो मैं 10% उम्मीद की वजह से दे देता हूँ। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, US जाते हैं, तो वहाँ पे जो इंडियन डायस्पोरा है US में, वो बड़ी बड़ी रिस्पेक्ट करता है, रेड कारपेट जो उनका वेलकम किया जाता है, वहाँ पे नारे लगते हैं। फिर फ्रांस जाते हैं, वहाँ पे जो इंडियन डायस्पोरा है वो बड़ा वार्म वेलकम करता है। पाकिस्तान के प्राइम
प्राइम मिनिस्टर जब जाते हैं किसी भी कंट्री में तो पाकिस्तानी तो वहाँ पे मौजूद होते ही हैं, डायस्पोरा पाकिस्तानी, तो वो क्यों नहीं रिस्पेक्ट करते उतनी जितना कि उनके पीएम की रिस्पेक्ट की जाती है? हाँ देखिए, आपने अगर पहले ये कहा ना, अगर ये आप उनके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं या वैसे बात कर रहे हैं? मैं वैसे बात करने के कंपैरिजन कर भी नहीं सकते। अच्छा, सॉरी टू से, ठीक है, मैं एज ए पाकिस्तानी मोहब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, लेकिन रियलिटी पसंद हूँ। वो रियलिटी ये है कि हम उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप उनकी बात करते हैं ना, हम एक सादा सी मिसाल ले लेते हैं कि एक घर के अंदर जो बच्चा सबसे ज़्यादा कमाता हो ना, घर वाले उसको ज़्यादा यानी कि रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको हर लिहाज से प्रेफरेंस उसको करते हैं, ठीक है, बाकियों के साथ भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसी तरह इंडिया है, इंडिया देखे दुनिया के अंदर ना एक अच्छा उनका इंप्रेशन है, ठीक है, अमीर आदमी है, बड़ी मार्केट है, ठीक है, वो फायदा देते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। कोई एक दूसरे के साथ मोहब्बतें नहीं करनी होती, एक दूसरे के साथ बेनिफिट होते हैं, ठीक है, ऐसे ही। अगर बेनिफिट आप एक दूसरे को अच्छे दे रहे हैं आप अच्छे चलते रहेंगे, जहाँ पे आपका बेनिफिट क्रैश होगा वहाँ पे चीज़ें टूटना खत्म होना शुरू हो जाएंगी। सो इंडिया जो है ना, इंडिया हमसे बहुत बेहतर है। अगर हम अपनी बात करें, देखें हमारे जो इसको क्या इस बात को डिस्कस करें, लेकिन करनी पड़ती है, रियलिटी है, ठीक है, कि हमारे मुल्क के अंदर जो हमारे जो सियासतदान हैं ना, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो भी रहे हैं, माजी में भी रहे हैं या अभी भी, सबकी स्ट्रेटजीज एक ही है, सबकी पॉलिसी एक ही है, सबकी मेंटेलिटी एक ही है, और वो बड़ी चीप मेंटेलिटी कि हमने जहाँ पे भी जाना है जाके मांगना है। अच्छा, आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जहाँ पे आप बात करें, जहाँ पे भी जाते हैं पाकिस्तानी होते हैं, उस तरीके से आगे क्यों नहीं खड़े होते? अक्सर कहीं पे तो प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं, वेलकम करते नजर नहीं आते। हमारी उस तरह डिग्निटी नहीं है यार। अच्छा, वो जिस वजह से भी हमारी डिग्निटी इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है वो अलहदा बात है, लेकिन उस तरह डिग्निटी नहीं है, ठीक है। एक हमारी यानी कि हमारा इदारे हैं, इदारों में से जो टॉप ऑफ द यानी कि हमारी पाक आर्मी है, उन लोगों की वजह से हमारी डिग्निटी है, ठीक है, ठीक है? हमारे उनके साथ कोई इंफरादी यानी कि या इंटरनल मामला हो सकते हैं, इख्तलाफात हो सकते हैं, वो एक साइड पर है, लेकिन सिर्फ हमारी पाक आर्मी की वजह से हमारी डिग्निटी है, ठीक है, ये मैं बात। अगर आप बात करें ना हमारे सियासतदानों की, तो अनफॉर्चुनेटली यार सियासतदानों ने उस तरह हमारी डिग्निटी बनाने की कोशिश भी नहीं की। जिस काम के लिए कोशिश नहीं की जाएगी उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, उसी तरह के आएंगे, ठीक है ना। यार आपने स्टार्ट में कहा जी कंपैरिजन नहीं बनता इंडिया के साथ, मैं भी इस चीज़ जी आप बात कर रहे हैं ना, इंडिया का जो अमीर आदमी है ना, एक अमीर आदमी अभी, वो तो बहुत से हैं, ठीक है, अंबानी फैमिली, ठीक है, वो 3 बिलियन हो गए, 5 बिलियन हो गए, वो इससे ज्यादा सासों के मालिक होंगे, ठीक है, इतने का तो उनका घर होगा यार, देखे वो उनके पास खरबों रुपए है, और ये ऑन द रिकॉर्ड चीजें हैं, ठीक है, हम उनके साथ क्या कंपैरिजन कर सकते हैं? हम जो उनसे 3 बिलियन IMF से मिलने पे इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह और खुशियां मना रहे हैं, जैसे ये देखे कितनी अफसोस वाली बात है, कितनी तकलीफ वाली बात है, ठीक है। मैं पाकिस्तानी यकीन करें ऑनेस्टली आपसे बात करूंगा कि मैं एज ए पाकिस्तानी कोशिश करता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉजिटिव रह के पाकिस्तान का पॉजिटिव चीज आगे लाई देनी होती है ना वो करता हूं, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताएं, चलें पॉजिटिव चीज की बात करते हैं, मैं कहता हूं जी मैं आपके पास आता हूं कि भाई पॉजिटिव चीज के हवाले से हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में पॉजिटिव चीजें दिखा रहे हैं, तो मुझे बताएं इस टाइम क्या पाकिस्तान में पॉजिटिव हो रहा है, तो आप बताएं। देखिए पाकिस्तान में अगर आप पॉजिटिव की बात करें ना, पॉजिटिव भी हो रहा है। क्या हो रहा है बताएं? मतलब पॉजिटिव यही हो रहा है कि लोग एक अगर किसी की हिम्मत नहीं है कोई काम करने की, उसमें अगर वो अपने आप को ठीक कर रहा है, कोई अल्लाह की राह पे निकलने लगा या अपने आप को पॉजिटिव कर रहा है, किसी मजबूरी से ही कर रहा है, ठीक है, ये मैं चीज़ें देखता हूँ। तो लोगों में आई ना, मैं इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, पॉलिसीज की बात कर रहा हूँ कि क्या पॉजिटिव पॉलिसी बनती नजर आ रही है आपको, ताकि हम उसको कल एक प्रॉपर खबर और एक प्रॉपर वीडियो बनाएं, मुझे बताएं आप। पता के बाद पाकिस्तान की जो ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं नज़र आ रही, जो नज़र आएगी ना आप हम तक सब तक पहुंचेगी, ठीक है? है ये तो अभी यही हो रहा है कि हमने करना क्या। अच्छा अब मैं अगर आप इन सियासतदानों की बात करते हैं, पूरी PDM की बात करता हूं, ठीक है, पहले ये एक जत्था बन के एक ग्रुप के ऊपर अटैक किया इन्होंने, एक पर्सनैलिटी के ऊपर किया या एक पार्टी के ऊपर किया, सीधी बात करता हूं, ठीक है, जत्था बन के। अब वो तो चलो जत्था बन के उसके ऊपर अटैक किया, वो तो चलो बैठ गया वक्ती तौर के ऊपर, कल कलां को क्या होता है ये अल्लाह की ज़ात को पता है क्या होना है, ठीक है? है हम सियासी तौर पे अगर बात करें वो तो बैठ गया, अब इनको आपस में नजर आ रहे हैं कि हमने किस किस लेवल पे रहना है, ठीक है, अभी आपस तो में भी लड़ते शायद नजर आ रहे हैं, आपस में लड़ेंगे, लड़ते नजर आएंगे, क्यों भला? उसके पीछे रीजन क्या है कि आप कोई पॉजिटिव अमल करते हो ना, मिलके करते हो, उसके रिजल्ट अच्छे निकलते हैं। आपने ये नेगेटिविटी की है, आपने एक ऐसी पार्टी को जिसको पूरी दुनिया में सराहा जाता है, पूरी दुनिया में उसका एक नाम बन चुका हुआ है, उसका एक वजूद हो गया हुआ है, आप उसको खत्म कर रहे हैं इतनी गंदे तरीके से, इतने गलत तरीके से, ठीक है, इस तरह ना करें। लेकिन आप ईमानदारी से ये बताएं मुझे कि क्या आपको लगता है कि इस टाइम जो कंडीशन है उसको देखते हुए आपको लगता है कि पाकिस्तान की पब्लिक के बारे में कुछ सोचा जा रहा है, हमारे जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की पब्लिक के बारे में कोई पॉलिसी बना रही है?
क्या पॉलिसी यार, मेरे नज़दीक मुझे तो नहीं कोई नज़र आ रही। ठीक है, अगर आपके पास कोई है तो बता दें, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बना रहे। ठीक है, तो ये चीज़ें जब इंटरनेशनल मीडिया पे जाती हैं, बल्कि अदारे यहाँ पे बैठे हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, आपको नहीं लगता हमारा इमेज पहले भी जैसा है उसे मज़ीद ख़राब होता जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे? ऐसे ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई बेहतरी, कोई चेंज? बेहतरी यही है कि इलेक्शन करवाएं। अगर ये बेहतरी का अपना एक अच्छा साइन देना चाहते हैं ना लोगों तक, तो ये इलेक्शन करवाएं। ठीक है, इलेक्शन के बाद बहुत होगा, पता है कि हमें भी फायदा होगा और इनको भी फायदा होगा कि पता चलेगा किसने क्या करना है, गवर्नमेंट क्या किरदार है इंटरनेशनल लेवल पे। अगर कोई पाकिस्तान में आके बिजनेस करना चाहेगा, उसे पता होगा भाई मैंने शहबाज शरीफ साहब से बात करनी है, या बिलावल भुट्टो साहब से बात करनी है, या इमरान खान साहब से बात करनी है। अब देखे ना, इसकी ताज़ा तरीन जो एग्जाम्पल ये है जो हमारे सामने आई है कि इमरान खान को IMF के वफद मिलने आया है। ठीक है, यानी कि वो भी इस लेवल पे, यानी कि PDM एक साइड पे हो गई, यानी कि पेपर पार्टी हो गई, नून लीग हो गई, उन्होंने उनसे भी गपशप जाके लगाई, इसके पास भी आए हैं। यानी कहीं ना कहीं IMF को भी ट्रस्ट इशू है कि भाई पता नहीं आगे गवर्नमेंट क्या होता है, किसने आना है किसने नहीं आना। देखें ना, ये चीज़ें नहीं, ये हमारे इंटरनल मामला नहीं, हमें बैठ के खुद ही सुलझाने चाहिए। ये हमें पॉजिटिव, अगर आप बात करें ना कोई पॉजिटिविटी नज़र आ रही है तो ये है, ये नज़र आएगी कि ये आपस में बैठ के को प्लान करेंगे, यार हम एक साइड पे सारी चीज़ों को छोड़ दें और पाकिस्तान को सबसे आगे आगे ले गए। देखें, मैं तो चले ऐसे कहूँगा कि ये आप पाकिस्तान के अंदर लूटने के लिए कुछ नहीं है, आप तो ये बाहर से कुछ ला के लूटना चाह रहे हैं। अगर लूटना चाह रहे हैं तो अब बोल, तो मैं पॉजिटिव सोचता हूँ ये शायद कुछ करना चाह रहे होंगे कोई भी। ठीक है, अगर ये लूटना चाह रहे हैं, अगर जब लूटने के लिए कुछ नहीं बचेगा तो तुम्हारे बच्चे क्या लूटेंगे? हमें अपने बच्चों के लिए कोई इस टाइम प्लान ऐसा कर दो अच्छा, पाकिस्तानी आवाम को थोड़ा सा फायदा हो जाए। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं हमारे हुक्मरानों को कि भाई थोड़ा सा छोड़ दो ताकि आपके बच्चे आके वो लूट सके। देखिए, बेहतरी की कोई बात देखे ना, बेहतरी की बात ये, मैंने ये बात इसलिए कही।